नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के दोस्तों टॉप 50 प्रश्न दोस्तों देखेंगे। ये दोस्तों परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वैसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित है। और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो कि परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और दोस्तों इसमें हम पूरे इतिहास में दोस्तों जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वो सभी हम एक ही वीडियो में ला दिए हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग। दोस्तों अब हम ये जान लें कि जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों 2.5 मिलियन साल पहले हुई थी। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसकी शुरुआत 2.5 मिलियन साल पहले, और जो पाषाण युग है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2.6 मिलियन साल पहले। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। अगला दोस्तों प्रश्न है दो नंबर कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है दोस्तों। तो मानव सभ्यता के विकास की एक ही है, शिकार और संग्रहण। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा तीन नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी से दोस्तों हम आपको 5-6 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में एक ही प्रश्न दोस्तों बता देंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन। और दोस्तों पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक दोस्तों इसकी शुरुआत थी। यानी कि दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से दोस्तों इसकी शुरुआत शुरू हुई, और कितने ईसा पूर्व तक रही, तो दोस्तों 1900 ईसा पूर्व तक इसकी शुरुआत रही दोस्तों। इस सभ्यता में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों बहुत से ऐसे लोग आए थे दोस्तों। भारत की दोस्तों सबसे पहली नागरी सभ्यता दोस्तों ये क्या, सिंधु घाटी है दोस्तों। दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यता में दोस्तों एक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। और इस सभ्यता के दोस्तों लोगों ने क्या क्या बनाया था, तो इस सभ्यता के लोगों ने दोस्तों सूती कपड़ा बनाया था, और नारवे में दोस्तों मूर्तियाँ बनाई थी, और बर्तन और इत्यादि चीज़ सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग बनाए थे दोस्तों। ये सब बात आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है 4 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला दोस्तों प्रश्न है 5 नंबर कि दोस्तों ये जो मौर्य जो समाज है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है, इसकी शुरुआत दोस्तों 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कितने ईसा पूर्व में, तो 322 ईसा पहले हुई थी मौर्य साम्राज्य की शुरुआत दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 5 नंबर कि गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, स्वर्ण युग। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा क्या कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया। दोस्तों ईमेल से आपको पता लग गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का अगर जन्म पूछ दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों इनका हुआ था। यानी कि 1869 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। और अगर मृत्यु पूछेगा तो दोस्तों 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, 1948 को, ये बात आपको नोट कर लेना है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 7 नंबर कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अभी दोस्तों 1950 में दोस्तों लागू हुआ था। कि भारत को संविधान बनाने में, यानी कि भारत के संविधान बनाने में कितना समय लगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का दोस्तों समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला दोस्तों प्रश्न है 7-8 नंबर कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों अगर आपको ईमेल से पता लग गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछ दिया कि इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो दोस्तों इनका कार्यकाल चला था
15 अगस्त दोस्तों 15 अगस्त से 1947 से लेके, यानी कि 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 से दोस्तों लेके कब तक चला था, तो दोस्तों 27 मई से लेके दोस्तों 1964 ईस्वी तक, दोस्तों मतलब 1964 तक साल तक इनका कार्यकाल चला था। और अगर पूछ दिया कि ये कितने उम्र पे प्रधानमंत्री बने थे, दोस्तों ये 58 वर्ष के थे, जब 58 वर्ष के तब ये प्रधानमंत्री बने थे। और अगर पूछ दिया दोस्तों आपसे कि ये कितने साल तक अपने पद पे रहे, तो ये थे कब तक, 16 साल दोस्तों और 286 डेज, यानी कि 16 साल और 286 दिन तक दोस्तों ये अपने पद पर रहे थे। और मृत्यु पूछा दोस्तों कि मृत्यु कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु दोस्तों दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है 9 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों इमेज दोस्तों आपको पता लग गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों हॉकी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉकी। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शिकार व संग्रहण चरण। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 12 नंबर कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त सभी से। दोस्तों लकड़ियों से भी हथियार बनाए थे, हड्डियों से भी हथियार बनाए जाते थे और पत्थरों से भी हथियार बनाए जाते थे। और पूछते दोस्तों प्रागैतिहासिक काल दोस्तों की शुरुआत कब तक हुई थी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 2.5 मिलियन वर्ष पहले मैं आगे आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों 2.5 मिलियन साल दोस्तों पहले हथियार किससे बनते थे, तो लकड़ियों से हथियार बनते थे, हड्डियों से हथियार और पत्थरों से हथियार बनते थे दोस्तों, वहाँ के लोग दोस्तों पहले ऐसे थे। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 13 नंबर दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पराषाण युग में दोस्तों मानव ने आग का खोज किया था सबसे पहले। अगला दोस्तों प्रश्न है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरम्भ किया था। दोस्तों कृषि कार्य दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नवपाषाण युग में ही। अगला दोस्तों प्रश्न है 5 नंबर कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमेज से दोस्तों आपको पता लग गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 16 नंबर कि मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया, किस फसल का उपयोग किया दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, जौ का उपयोग किया। अगला दोस्तों प्रश्न है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बेलन से। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा यानी कि प्राचीनतम स्वच्छ कहाँ से मिला। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मेहरगढ़ से। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर शुरुआत पूछ दिया, मैं आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत दोस्तों 2600 दोस्तों ईसा पहले हुआ था और 1900 ईसा पूर्व तक रहा था। दोस्तों इसका 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ताम्रपाषाण। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खुदाई दोस्तों सबसे पहले दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 21 नंबर कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है, यानी किसे जाता है, कौन खोजा था। दोस्तों इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राखल दास बनर्जी। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मोहनजोदड़ो। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों नगर का दोस्तों नदी हो जाएगा, ये सुमेलित है। यहाँ पर दोस्तों कपास ऊन दोस्तों ये भी सुमेलित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भी सुमेलित है दोस्तों,
लेकिन दोस्तों ये सिंधु घाटी दोस्तों सिंधु और पंजाब दोस्तों ये सुमेली तबका नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे दोस्तों, आपको इमेज से पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल के यानी कि स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी दोस्तों, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे दोस्तों, यानी कि आर्य जो थे वो सबसे पहले भारत में कहाँ बसे, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सिंधु प्रदेश में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी दोस्तों, इसका भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सरस्वती नदी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे दोस्तों, दोस्तों आपका ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी दोस्तों, यानी ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य दोस्तों ये प्राकृतिक शक्तियों को ही पूजा करते थे, पशुओं को ही पूजा करते थे और पूर्वजों की भी पूजा करते, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है 32 नंबर दोस्तों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किस का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुद्ध का दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिला है दोस्तों, गायत्री मंत्र आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेदिक आर्य की भाषा क्या थी दोस्तों, यानी कि ऋग्वेदिक दोस्तों आर्य है इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी भाषा दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद की भाषा दोस्तों क्या थी, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत में दोस्तों ऋग्वेद को लिखा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों, यानी कि इसमें सबसे पहला वेद कौन सा है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 37 नंबर कि ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग दोस्तों किया जाता था दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गाय का। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विद्यत। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों ऋग्वेद देवता ये भी सुमेलित है, यजुर्वेद यज्ञ ये भी सुमेलित है दोस्तों, यमवेद संगीत दोस्तों ये भी सम्मिलित है, लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों है ये दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको इमेज से पता लग गया होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लोहा, लोहा के दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने दोस्तों इस धातु की खोज की थी लोहा की, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न 41 नंबर कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से मिला दोस्तों, यानी कहाँ से लिया गया था दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये सब नागरिक को दोस्तों पता होना चाहिए, इसका दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मुंडकोपनिषद दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों जैन धर्म का दोस्तों वास्तविक दोस्तों संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों महावीर को। अगला दोस्तों प्रश्न जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों तीर्थकर अंतिम,
इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों महावीर। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 44 नंबर कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा था दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ब्रह्माचार्य। अगला दोस्तों प्रश्न है कि जैन धर्म में तीर्थकारों की संख्या कितनी है दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 24 दोस्तों संख्या है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कुंडग्राम यानी कि वैशाली में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जैन धर्म का। अगला दोस्तों प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित किया गया है थी यानी क्या किया गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पाटलिपुत्र दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र पटना विश्वविद्यालय। अगला दोस्तों प्रश्न है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था दोस्तों यानी किस भाषा में दोस्तों उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों प्राकृतिक भाषा में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों लुम्बिनी में दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों लुम्बिनी है नेपाल राज्य में। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है तो वहीं दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे दोस्तों फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए।